आज मैं बनाऊंगी बाजार जैसा अमूल बटर, जिसे बड़ी आसानी से बनाएंगे। ये मैंने दूध की मलाई ली है, जिसे फ्रिज में रखा था, तो ये थोड़ा हार्ड लग रहा है। इसे सॉफ्ट करेंगे चलाते हुए। और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने से मक्खन अलग होएगा और जो इसका ये दही निकल रहा है, पानी निकल रहा है, वो अलग हो जाएगा। तो ये सॉफ्ट हो गया है और मक्खन भी निकल गया। तो अब इसे साफ पानी में धोएंगे। साफ पानी में धोना है, उसके बाद इसका पानी हम निकाल लेंगे। पूरा अच्छे से निकालना है पूरा पानी। पानी को निकाल दिया है। उसके बाद इसमें हम पीला कलर डालेंगे। अगर कलर ना हो तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि बाहर से हम जो लाते हैं बटर, वो नमकीन रहता है, तो इसीलिए हम इसमें भी नमक डाल रहे हैं। और इसे पूरी तरह से फेंटेंगे जब तक अच्छा सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक फेंटते रहना है। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, तो ये बन गया है मक्खन। अब इसे एक बॉक्स में डालेंगे, जिसमें मैंने फॉइल पेपर लगा के रखा है। अगर बटर पेपर है तो वो लगा सकते हैं आप। और इसमें डालेंगे मक्खन को। अच्छी तरह से फैलाएंगे। पूरा फैला दिया है। अब इसको ढक के 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। चार घंटे हो गए हैं, तो अभी इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अभी बॉक्स को खोलेंगे और इसका फॉइल पेपर निकालेंगे। देखिए, वैसा ही हुआ है ना जैसा बाजार से लाते हैं बटर। तो हमने कितनी आसानी से बनाया घर पे ही। अब बटर को काट के दिखाएंगे आपको। देखिए, बहुत ही अच्छा बना है। कितना आसान है घर पे ही बाजार जैसा बटर बनाना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।